गाजीपुर में सोमवार को मरधा क्षेत्र के नसरुद्दीनपुर गांव में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद गांव को चारों ओर से सील कर हॉटस्पॉट जोन घोषित कर दिया गया है। जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने बताया कि अब जिले में नसरुद्दीनपुर और खिजिरपुर दो नए हॉटस्पॉट हो गए हैं। इससे पहले दिलदार नगर हॉटस्पॉट था, जिसे अब खत्म कर दिया गया है और गाजीपुर नगर में बनाए हॉटस्पॉट्स को भी अब आने वाले 2-3 दिनों में खत्म कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इन दोनों हॉटस्पॉट्स को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि ये संक्रमण किसी और व्यक्ति में न फैले। आइए सुनते हैं जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य इस बाबत क्या कह रहे हैं। नसीरुद्दीनपुर गांव में श्री अंगद पांडे नाम के व्यक्ति हैं, जो महाराष्ट्र में किसी स्कूल में गवर्नर के हैसियत से काम करते थे। वो एक गाड़ी से यहाँ पर आए थे, प्राइवेट व्हीकल से। इसकी सूचना प्राप्त होने पर हमने, यद्यपि उनमें कोई लक्षण नहीं था, फिर भी चूंकि महाराष्ट्र में संक्रमण ज़्यादा है तो एहतियातन हमने उनका स्वैब टेस्ट कराया था और उनका स्वैब टेस्ट अब पॉजिटिव आ गया है। उनको हमने इमिडिएटली लेकर के अपने क्वारंटाइन में उन्हें हमें भेज दिया हमने वाराणसी, और उनके परिवार और उनके जो भी क्लोज कॉन्टैक्ट में थे ऐसे सभी व्यक्तियों को ला करके हमने अपने सेंटर होम में डाला है। उन सबका स्वैब टेस्ट ले रहे हैं और जैसा रिजल्ट होगा उसके आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। लगभग आज उन लोग के साथ कितने लोग करीब 14 या 15 लोग हैं, शायद 15 लोग हैं जिनको हमने लिया। अगर कुल मिला के अब देखा जाए सर, तो अब तक जो है कितने लोग क्वारंटाइन है हमारे जिले में? ये नंबर एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये संख्या घटती बढ़ती रह रही है। आज अभी मेरे ख्याल से करीब 50-55 लोग हमारे यहाँ पे हैं जो गाजीपुर में हैं। इसी तरह से करीब 47-48 लोग जमानिया में हैं। तो ये नंबर्स डेली घटते बढ़ते रह रहे हैं। ऑन एन एवरेज हम मान के चलते हैं आने वाले दिनों में हमारे पास करीब करीब 600 से लेकर 700 लोग क्वारंटाइन में रहेंगे, जो हमारे फैसिलिटी क्वारंटाइन में होंगे। देखिए, चूंकि बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी जो श्रमिक हैं ये उन प्रांतों से हमारे जनपद में आ रहे हैं जहां पे कोविड का संक्रमण बहुत ज़्यादा है, तो इस बात की संभावना है कि जो हमारे प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं इनमें से कुछ एक लोग ऐसे हों जो संक्रमित हों। इससे किसी को डरने की और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका अनुपालन सुनिश्चित करें। ऐसे लोगों पे हम लोग कड़ी निगरानी रख रहे हैं, जैसे ही वो जनपद में आते हैं उनके स्वास्थ्य का परीक्षण हम लोग करा रहे हैं, यदि कोई लक्षण दिखता है तो उनके स्वैब टेस्ट भी हम करा रहे हैं। आने वाले दिनों में जैसा पहले हमने कहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, तो यद्यपि हमारे जनपद में कोरोना पॉजिटिव लोग आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, और सभी जनपदों में जहाँ पर इस तरह से प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं वहाँ इस तरह के केसेस आएंगे, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले भी हमारे जनपद में कोरोना प्रभावित लोग आए थे, लेकिन हम लोगों ने बखूबी उस पर जीत हासिल की है, उसको फैलने से रोका है, और आगे भी हम जनपद को इसी तरह से तत्परता से रोकेंगे। अब हमारे दो नए हॉटस्पॉट बन गए हैं, एक आज जहाँ पे केस आया और एक जो कल आया था। पुराने जो हमारे हॉटस्पॉट थे दिलदार नगर का, वो हॉटस्पॉट हमारा ख़त्म हो गया है। गाजीपुर शहर का जो हॉटस्पॉट है, आने वाले 1-2 दिन में वो भी हॉटस्पॉट से नॉर्मल हो जाएगा। अब ये दो नए हमारे हॉटस्पॉट जनपद में रह जाएंगे। आज केस हमें कहीं मिलेगा, चाहे वो पर्टिकुलर किसी कस्बे में मिलेगा या पर्टिकुलर गांव मिलेगा, तो तत्काल उसी तरह कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, हॉटस्पॉट में परिवर्तित किया जाएगा, ड्यूटीज लगाई जाएंगी जैसे पहले हम करते हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव मरीज को बनारस आगे के इलाज के लिए भेज दिया गया है और इसके साथ उसके परिवार के 8 और 11 पड़ोसियों को गाजीपुर के रेलवे ट्रेनिंग सेंटर में क्वारंटाइन किया गया है, जहां उनकी जांच की जाएगी और पॉजिटिव पाए जाने पर उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।